And welcome back to my channel or welcome to my channel if this is the first time you are watching me. And in today's video, it's a very different video. In today's video, I am going to transform my room from a regular normal room to a YouTuber's room, like a YouTube studio type of thing, wherein I can work, have my own workspace. So I'm gonna transform my room and I hope you guys will enjoy this video. And in the next clip, I'm gonna show you what all changes I am gonna make to my old room. And yeah, let's get into that. Before that, do not forget to subscribe to my channel. Also follow me on Instagram and like, comment, share if you guys like this video. And if you want more such content, please comment down below. And I really hope you guys will like it. So this is how my older room looked like, and now I'm gonna talk about the changes I'll make. So I'm planning on having a bunk bed up there, और इधर थोड़ा सा टेबल वगैरह ये निकल जाएगा. बुकशेल्फ हट गया है ऑलरेडी, एज यू कैन सी बुकशेल्फ नहीं है अभी वहाँ पे. तो या there's gonna be a lot of changes. ये फैन भी आई थिंक हट जाएगा एंड देर विल बी सम सीलिंग लाइट सिचुएशन. तो फॉर नाउ ये अभी रूम ऐसा दिख रहा है. And I'm super excited, you guys. So yeah, I hope you guys will enjoy this video. So guys, I'm gonna tell you what all I shopped for day one. मैंने प्लाई एंड सनमाइका का शॉपिंग किया, क्योंकि मैंने सोचा था कि हम रूम का फर्नीचर चेंज करना है. वो बेड जो था वो बहुत बड़ा था, इट वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ पार्ट इन द रूम. सो वी वेंट अहेड एंड चोज आर प्लाई, ऑल्सो द सनमाइका फॉर द फर्नीचर. सो मेरे हिसाब से यू गाइज, फॉर अस हु वॉन्टेड टू मेक स्टूडियो, वाइट सबसे बेस्ट लगता है. तो वी चोज दिस ग्लॉसी वाइट सनमाइका. डे टू वी वेंट अहेड टू चांदनी मार्केट एंड चोज आर नॉब्स एंड डोर हैंडल्स फॉर सम ऑफ द फर्नीचर. एज यू सी, वी चोज दिस beautiful crystal knob for the you know drawers and also door handle. We chose silver colors के हैंडल्स. एंड देन वही चांदनी मार्केट में वी वेंट अहेड टू दिस ब्यूटिफुल लाइट शॉप विच हैड अ वेरी वेरी रीजनेबल प्राइस. तो दीज ब्यूटिफुल लाइट्स वी वेंट अहेड एंड शॉप सम लाइट फ्रॉम देर. आई लव द कलेक्शन. और अगर आप लोगों को डिटेल्स चाहिए होगा तो आप डीएम करना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स दे दूंगी एज मच एज आई कैन. प्राइसेस भी बता दूंगी आपको. एंड या द लाइट शॉपिंग वॉज अ ग्रेट सक्सेस. तो डे टू में वी डिड दिस शॉपिंग या लाइटिंग के और नॉब्स के. एंड डे थ्री वी वेंट टू बड़ा बाजार टू चूज आवर कर्टन्स एंड आर रग. वो भी बहुत मज़ेदार था. देन डे थ्री यहाँ पे ख़त्म होता है. डे फोर वी वेंट अगेन फॉर शॉपिंग फर्नीचर के शॉप में, सेकेंड हैंड फर्नीचर के शॉप में, जहाँ से मैंने ये ब्यूटीफुल सोफ़ा लिया एंड दिस प्रीटी प्रीटी चेयर. तो या यहाँ पे मेरा शॉपिंग ख़त्म नहीं होता है गाइस, एक और शॉपिंग बाकी है. सो गाइस, जो सेकेंड हैंड शॉप का शोरूम था उसके अपोजिट में ही ये सब पॉटरीज का शॉप है. तो वहाँ से मैंने कुछ सामान लिया, मैं आपको दिखाऊँगी. कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, आप लोग यहाँ पर ज़रूर आओ और चेक करके जाओ. ये जो शॉप है ये बिल्कुल हाईवे के ऊपर है और यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल प्लांटर्स है. ये वाला येलो वाला प्लांटर मैंने लिया है, और भी मैंने दो प्लांटर्स लिए हैं. मेरे को और थोड़ा प्लांटर्स लेने, नहीं मैंने और तीन प्लांटर्स लिए हैं, अबाउट फोर प्लांटर्स. एंड दे हैड ब्यूटीफुल कलेक्शन एंड अ वाइड वेराइटी ऑफ कलेक्शन, और यहाँ से बहुत सस्ता पड़ता है. मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है. ये मेरा लास्ट पार्सल था जो आना बाकी था, जिसके लिए वीडियो थोड़ा लेट हो रहा था, डिले हो रहा था. तो इसमें जो है मैं सोची थी, बिकॉज दिस इज द लास्ट थिंग, आई गॉट लिटिल इमोशनल एंड देन आई थॉट कि क्यों ना फिल्म करते हैं इसका अनबॉक्सिंग. सो लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड एंड आई एम सुपर एक्साइटेड. इट्स माय ऑटोमन निदान, न्यू ऑटोमान. मेरे को थोड़ा अजीब लग रहा है खोलते हुए. सो थोड़ा सी थोड़ा मेरे को मतलब वो लग रहा है खोलने में कि गंदा हो जाएगा. आई हैव ऑलवेज ऑलवेज वांटेड एन ऑटोमान,
because Friends mein, you know, Monica had an ottoman or when there was this episode jahan pe Rachel removed it in order to clean it and then she got all, you know, cocky and she was like, no, let's see where it is, how it looks in the first place. So after that, wo wala jo scene tha, wo dekhe, I always wanted to have an ottoman. So this is my ottoman. I'm so happy I can keep it down over here and, you know, do this and chill. Yes, I can chill like this and I'm super happy. Also, you know, extra seating, just like Rachel said, extra seating on the ottoman. So after all the shopping, let's move on to some DIY. So ये एक wooden stool है जिसको मैं as a side table use करूँगी और ये wooden color का था originally. Then मैंने इसको white paint किया as a primer and उसके ऊपर मैंने yellow color paint किया so that it looks very bright. और एक light था ceiling light, इसको भी मैंने white paint किया है to give a white vibe to the room. Now we'll move on to building the furnitures. ये आप देख सकते हो, ये मेरा bed है, ये कट रहा है, it's got storage space as I said and ये बेड अभी ऊपर लगने वाला है. दिस इज़ द मेकिंग ऑफ द बंक बेड दैट आई शॉट इन टाइम लैप्स एंड इट वॉज द मोस्ट यू नो हेक्टिक डे. As you can see, मेरा जो बेड है और जो कैबिनेट है वो बन रहा है और ये बन के तैयार होने के बाद मेरा रूम ट्रांसफॉर्मेशन कम्प्लीट हो जाएगा. एक टेबल भी बना है. सो आफ्टर दैट आई विल अरेंज माई रूम, मैं थोड़ा डेकोर करूँगी एंड देन इन द नेक्स्ट क्लिप गाइज यू विल बी एबल टू सी द फाइनल रिवील ऑफ माई रूम विद ऑल द फर्नीचर एंड इट्स ऑल फर्निश्ड एंड आई विल एक्सप्लेन यू वन बाई वन कि क्या क्या है रूम में और कैसा कैसा है, कहाँ से मंगवाया है. Every detail will be given. For now, the cabinets are ready. As you can see, it's full on IKEA room, you guys. And in the next clip, we'll be seeing the room reveal. पहले तो नॉर्मल बेड था तो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं था. आई वॉन्टेड टू हैव अ रियली नाइस स्पेस फॉर मी टू शूट क्लिक पिक्चर्स एट होम क्योंकि पैंडेमिक, यू नो, ऑफ कोर्स. एंड देन आई गॉट दिस ब्यूटीफुल सोफा, यू नो, फ्रॉम वेयर आई गॉट इट. एंड ये सोफा ए सिटिंग एरिया जो है बहुत सुंदर, एक प्लांट है, सब ओरिजिनल प्लांट. तो indoor plant. Then we have this stool. It was a very old stool and we have renovated it as well. Then ye sofa bhi, you know, I bought the second hand and I have got it, you know, covered everything. Aur yahan pe as you can see, very beautiful background. We have planters over here. Ye dono 100 rupees ke hain. This is for I think 150 something. These are also from Mela. Some of my books, some more of my books, my Polaroid camera. This was a gift, by the way. And we have a mini, you know, planter over here as well. Yahan pe do lights hai. This bowl is from West Side, you guys. Then again, another pot. And this is a, you know, fake plant. Because I had that in my previous room as well. And this beautiful rug is the most expensive thing over here, I think. Apart from the furniture. And we got it custom made. Yeah, I kind of like this rug. I have mixed feelings about it due to the size of the rug. But anyways, we have the rug over here.
So this is my shooting situation. I can click pictures over here. I've already clicked pictures over here. I love this space. So this is my sofa. I love this. This sofa is very, very comfortable, by the way. I'm always like this in the sofa. My dog Button loves this sofa. He's always on the sofa. I'll add a picture over here. And anyways, this is my, you know, full shooting situation. I love this bunk bed. Now let's go and get on the bed and show you how comfy it is. So we'll climb the stairs first. So this is my bunk bed. Usually bunk bed kids ka hota hai. No, I don't think adults rehte bunk bed apart from Mika Nikhil. And from there I got this idea of having a bunk bed. But I did not want a normal bunk, so that niche bhi fir bed hi ho jata, to kuch use nahi hota space ka. I got this made and it's very, very comfy. And if you guys think ki main yahan pe fit nahi hogi, I'll fit aram se, by the way. And this is very, very comfy. Ceiling ka thoda problem hai abhi, but this will get this removed I think after some time. Abhi for now I'm seeing how this is. Yahan pe mera sar nahi lagta, but yahan pe kabhi kabhi lag jata hai. So that's a little problem. Also I've got these two plug points over here, you know, so that I can charge my phone, iPad, all that things. And also I've got a bed switch over here. I'll switch that off. यहाँ पे ये मेरा ग्रिड हुआ करता था, पुराना मेमोरी बोर्ड टाइप का, और ये अभी बाहर में हुआ करता था, ये अभी यहाँ पे आ गया है. सो या दिस इज द सिचुएशन. आई हैव माई कैंडी ओवर हियर. आई हैव टू कीप हर अप ओवर हियर बिकॉज ऑफ बटर, बिकॉज तो काला नजर इस पर रहता है. सो दिस इज माई बंक बेड अपेरेंटली. एंड देन वी हैव कबर्ड. कबर्ड के ऊपर कुछ भी नहीं था, वहाँ पे कोई स्टोरेज एरिया नहीं था. एक्चुअली क्या था, मेरा जो बेड है वो स्टोरेज बेड था, बट ड्यू टू बिकॉज वी चेंज द बेड, वी हैड टू यू नो ट्रांसफर द स्टोरेज. सो आई मेड दैट कैबिनेट ओवर देयर, सो दैट जितना भी स्टोरेज था वहाँ पे शिफ्ट हो जाए. एंड एवरीथिंग इज शिफ्टेड ओवर देयर. गाइज एक और चीज था, ये मेरा जो बंक बेड है यहाँ पे भी स्टोरेज है. ड्यू टू द स्टोरेज, ये थोड़ा सा यू नो ब्रॉड है, तो यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं. वो ऊपर में स्टोरेज है, तो स्टोरेज थोड़ा यहाँ पे भी शिफ्ट हो गया है. नाउ मूविंग ऑन टू माई वर्क डेस्क. दिस इज आवर चेयर अगेन. ये चेयर आप लोगों को दिख गया है ऑलरेडी. This is my chair for the storage desk, and this is how my desk looks right now. I love this. This is full on that IKEA desk wala thing. Firstly, I have got this mirror, jo mera purana mirror tha, ye Meesho se liya hua tha. This beautiful lavender lamp is from Home Center, and this is another money plant that we have. Ye mera laptop hai, iPad, my phones over here. This is the color of the lamp in case you were curious. We have got drawers over here. First drawer mein we have my hair tools, some of my hair tools, aur thoda miscellaneous bhi hai. And now next one I have all my, you know, vlogging YouTube equipments. As you can see, this is my AdSense. I'm sorry for this YouTube, please maaf kar dena, my dog has taken this away. Anyways, we have all my equipments over here vlogging ke. And then we have this over here. Yahan pe na cleaning ka सामान है, मेरे बोर्ड्स के रिजल्ट्स है. आई डोंट वांट टू शो दिस टू यू गाइस राइट नाउ बिकॉज़ इट्स नॉट एट ऑल ऑर्गेनाइज्ड. एनीवे, सो दिस इज माय वर्क डेस्क. एंड नाउ सी व्हाट आई लुक एट व्हाइल वर्किंग. सो दैट्स माय व्यू. वी हैव गॉट दिस कोटेड थिंग. ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया है. ये चारो वर फॉर 270 रुपीज आई थिंक, विद इन 300 विद द फ्रेम इंक्लूडेड. एंड आई हैव गॉट सम फेरी लाइट्स ओवर हियर सो दैट इट लुक्स मोर ब्यूटिफुल. एंड वी हैव गॉट व्हाइट कर्टन्स गोइंग ऑन. व्हाइट कर्टन्स पहले भी था एंड आई लव द व्हाइट वाइब. माई फुल हाउस इज व्हाइट. समटाइम आई शो यू व्हेन आई कैन ऑर्गेनाइज द होल हाउस. सो नेक्स्ट आई वांट टू शो यू माई मिरर. आई गॉट अ ह्यूज मिरर ओवर हियर. I got a huge mirror thing going on over here. I love watching myself in the mirror. I've got a puff which also works as an ottoman, but for now I can use this, you know, to sit over here and do my makeup. I love this Erica palm plant, by the way. Love the planter as well. Anyways, moving on to this puff, this ottoman, I can sit here and do my makeup. If I'm not doing that, I can also make another use of this. I can keep this over here. And I can have a chill time reading my book. Sitting space for guests as well. So this is pretty much what my room looks like. Now I'm going to show you my... Next I'm going to show you my beautiful moonlight. I love this light. I love this light. And I cannot believe the price of this light. This is for
50, I guess. I love this one. I love it. Also, bulb inside is color changing. So I'm going to show you kya kya colors hai. That sums up my room. Over there, I have my wardrobe and my makeup drawer. So this is my makeup drawer. I'm not going to show you. I have another mirror over here. Ye previous color mirror tha. यहाँ पे सब मेरा मेकअप एंड एवरीथिंग है जो मैं नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को. No, because it's very messed up. Also, I have two drawers over here जो यहाँ पे बटर के सब मेडिसिन रहते हैं. Also, this clock, by the way, guys, is for 200 only. It's from Home Center. Home Center में ये सब बहुत cheap है because the lamp was for 500 only. And then we have my wardrobe. It's a two-sided wardrobe. यहाँ पे भी मेरे कपड़े हैं, नीचे में बेडिंग्स वगैरह है. यहाँ पे भी मेरे कपड़े हैं. फिर मेरा ड्रेसिंग ड्रॉअर नहीं दिखा रही हूँ अभी because I will make a detailed video on all of that. कि वहाँ पे क्या क्या है. फिलहाल द रीजन आई एम नॉट शोइंग एक्चुअली ऑनेस्टली इज बिकॉज इट्स मेस्ड अप. क्योंकि ये करते करते ये सजाते वी वर टायर्ड एंड कुड नॉट डू दिस फिनिश दैट अप. एंड सो या दिस सम्स अप माय रूम. आई होप यू गाइस एंजॉयड माय न्यू रूम. ये एक और लाइट है बाय द वे गाइस. ये यहाँ से इसका बेड स्विच है जो कि जलता है. एंड दिस इज नॉट फिक्स्ड. ये आप कैसे भी घुमा सकते हो. आई जनरली यूज दिस वाइल डूइंग माय मेकअप ओवर हियर बिकॉज़ आई हैव ऑल दी प्रोडक्ट्स ओवर हियर. सो या दिस इज माय रूम. आई डोंट थिंक आई एम मिसिंग एनीथिंग. आई हैव माय एसी ओवर देयर बाय द वे. सो दिस इज प्रीटी मच हाउ व्हाट माय रूम लुक्स लाइक. आई होप यू गाइस एंजॉयड एंड या प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. Yeah, if you guys want to take some ideas about home decor and all of that, you can comment down below, mail me. तो वो को किसी को भी को ideas चाहिए इसके तो आप मेरे को Instagram में room decor की अगर आप मेरे को Instagram में message करोगे DM करोगे तो मैं आपको जल्दी reply दूंगी because I am very active on Instagram more than YouTube comments because there are lots of comments coming on and मैं आप लोगों को अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकती हूँ ऑन द टोटल कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स इन दिस रूम. आई कैन शो यू इन डिटेल्स. मैं आपको एकदम एक एक चीज़ का हिसाब दे के वो एक वीडियो बना सकती हूँ. अगर आप लोगों को वैसा वीडियो देखना है प्लीज़ कॉमेंट डाउन बिलो सो दैट आई कैन नो कि हाँ आई हैव ऑडियंस फॉर दैट. एंड yeah, that's pretty much it. Also, guys, I think I have over-invested in my room, to be honest, because there are not a lot of supporters of my YouTube content. Mostly, sab ek hi topic pe videos dekhna pasand karte, but I have, you know, changed my whole room just because of YouTube. I've transformed my bedroom to my studio. I would really, really appreciate if you guys supported me in what I am doing, and I'm super, super excited to work over here and show it with share it with you all. So yeah, for now, bye guys. I'll see you soon in my very next video. All the details will be given in the description. Bye. Also guys, in this pandemic बहुत लोगों ने मेरे को कमेंट्स करा था कि कौन सा मास्क बेस्ट है फॉर यूजिंग. तो मैंने एक लिंक डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो. अमेजन से वो आप इजीली परचेज कर सकते हो. इट्स द बेस्ट 3M मास्क ड्यूरिंग द कोविड. एंड या गो देयर एंड चेक इट आउट इफ यू वॉन्ट. एंड स्टे सेफ, स्टे एट होम गाइज.